Assalamu alaikum dear students. Hope you are doing well. Today we are going to read unit 17 and that is what you do is what you are. Nikki McWurton likha. who was a columnist and she wrote this essay What You Do is What You Are in the background of American society. इन विच शी सेज दैट वी जज पीपल अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू तो हो सकता है हमारे माशरे में ये चीज़ वेरी करती हो और हम इससे एग्री ना करते हों और हमारे यहाँ पे जो स्ट्रेटस हैं सोशल स्ट्रेटस वो डिफरेंट हों अमेरिकन सोसाइटी में लेकिन उस वक्त के जो अमेरिका के हालात हैं जिस वक्त निकी मैकटे ने ये ऐसे लिखा उस वक्त वो यही कहती है कि चूंकि अमेरिकन सोसाइटी जो है वह खुद को क्लासलेस सोसाइटी कहती है बट बेसिकली शी सेज दैट वी जज पीपल

से और हाई डिजिग्नेशन रखते हैं उनको तो बड़े रिस्पेक्ट से बुलाते हैं हम जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं और जो मज़दूर लोग हैं उनका नाम भी रिस्पेक्ट से नहीं लेते और इस तरह से उनके काम के लिहाज से ही उनको डिग्रेडेड नाम भी लेते हैं और उनको उस तरह का मकाम भी देते हैं सो इट शुडन बी डन लाइक निकी मैकन ने इसी लिए ऐसे लिखा स्टार्ट करते हैं एंड होप यू विल इट वी अनलाइक पीपल ऑलमोस्ट एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड टेन टू डिफाइन एंड जज एवरी इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू स्पेशली वर्क परफॉर्म्ड फॉर पे वी से यहाँ मुराद जैसे मैंने कहा कि अमेरिकन सोसाइटी के बारे में स्पेसिफिकली लिख रही है तो वो uh, वी से मुराद वी अमेरिकन पीपल ले रही है तकरीबन हर कहीं दुनिया में ऐसे ही करते हैं कि लोगों को डिफ़ाइन करते हैं उनका इंट्रोडक्शन जो करते हैं वो उनके काम के हवाले से करते हैं स्पेशली वो काम जिसकी उनको पे मिलती है और जिसके लिए वो काम करते हैं यानी जो आप अगर वॉल्टियरली करते हैं चाहे वो कितना ही महान और इज्जत वाला काम ना हो जिसके लिए आपको पेमेंट मिलती है और सैलरी लेते हैं उजरत लेते हैं उस काम के लिए उसी के साथ आपको याद किया जाता है मुफ्त में अगर आप कोई भी काम करते हैं उसके लिए आपको याद नहीं किया जाता फॉर एग्ज़ाम्पल देखें चार्ली इज डॉक्टर सैम इज़ कारपेंटर मेरी एलन इज कॉपी राइटर एट स्मॉल एड एजेंसी जैसे चार्ली डॉक्टर है सैम बढ़ई है कारपेंटर है और मेरी एलन किसी इश्तिहारी कंपनी में कॉपीराइटर राइटर का, का काम करती है इट इज़ बाई डिफाइनिंग हाउ अ पर्सन अर्न्स अंस का मतलब पैसा कमाना हिज और हर ओन रेंट मनी जैसे वो कराए के पैसे कमाता है वी वैलिडेट मीन अप्रूव और रिजेक्ट दैट पर्सन एग्जिस्टेंस तो उसके कमाने के साथ हम उस बंदे की मौजूदगी को या तो तस्लीम करते हैं या उसे बिल्कुल टोटल रिजेक्ट कर देते हैं एग्जिस्टेंस मीन्स उसकी मौजूदगी थ्रू द वर्क एंड जॉब टाइटल वी वेल विड द वर्थ ऑफ द लाइफ अटैचड वेल वेट मीन टू असेस उसका अंदाजा लगाना तो उस बंदे को न सिर्फ हम वैल्यू करते हैं उस जॉब के साथ बल्कि उसकी पूरी जिंदगी उसके साथ अटैच कर देते हैं और चाहे बाद में वो कोई भी दूसरा रिस्पेक्टेबल काम करता हो लेकिन हम उसे अटैच कर देते हैं उसी काम के साथ जिससे वो कमा रहा था या फर्स्ट जो उसका काम था उसी के साथ उसकी जिंदगी को मंसूब कर देते हैं लैरी इज अट ऑफ ऑटो वर्कर लेट ऑफ मीन्स पेड फॉर जो दिन की दिहाड़ी लेता है या मजदूरी पे काम करता है टॉनी इज रिटायर्ड टीचर सली इज अ फॉर्मर शो गर्ल एंड ब्लैक जैक डीलर फ्रॉम वेगास शो गर्ल मीन्स शिबु सिंगिंग इन सम सम और बार और एंड शी वाज डांसिंग ओवर देअर एंड ब्लैक जैक डीलर मीन्स इट्स कार्ड गेम होता है जैसे कि कैसीनो में मोस्टली ये गैमलिंग के लिए खेला जाता है तो उसकी डीलर रह चुकी है विगास विगास इज़ अ कंपनी नेम तो विगास के लिए वो शो uh, गर्ल भी रह चुकी है और ब्लैक जैक डीलर भी रह चुकी है इट इज़ एज इफ बाई लर्निंग दैट पर्सन करेंटली अर्नस नो मनी एट जॉब यानी पहले वो ये काम कर चुकी है ये चीज़ रह चुकी है अभी मौजूदा वक्त में वो कोई काम नहीं कर करें तो जैसे ही हमें इस बात का पता चलता है और हम ये लर्न करते हैं कि पर्सन जो है करंटली मींस अभी इसी वक्त कोई पैसा नहीं कमा रहा तो हम उसे प्रीवियस जॉब के लिहाज से याद करते हैं कि वो तो ब्लैक जैक डीलर थी शो गर्ल थी वेगास के साथ एंड मे बी हेजन अर्न एनी मनी एट जॉब फॉर यर्स और ये भी हो सकता है कि सालों तक उसने कोई पैसा ना कमाया हो मतलब उस जॉब के बाद तो हम उसे प्रीवियस जॉब के साथ ही याद करते हैं वी असाइन दैट पर्सन टू लिम्बो एटलीस्ट फॉर द present. प्रजेंट में अभी वो बंदा कोई काम नहीं कर रहा तो हम उसे एक तो वो हमारे ओबलीवियन में चला जाता है फरामोश कर देते हैं उसको या फिर उसको ऐसे लटका हुआ होने देते हैं जब तक वो दूसरा काम नहीं करता जिसके लिए उसको पेमेंट मिलेगी तब तक हम उसको उसी पुराने काम से ही याद करेंगे वी डिफाइन सच नॉन एम्प्लॉयड पर्सन इन टर्म्स ऑफ देयर पास्ट जॉब हिस्ट्री तो पास्ट की जॉब के साथ ही हम उसे याद करेंगे दिस सेम स्पेक्यूलट मी

उनको वैल्यू नहीं करते अ रिटायर्ड टीचर फॉर एग्जाम्पल मे स्पेंड अ लॉट ऑफ वॉलंटियर टाइम वर्किंग विद हैंडी चिल्ड्रन चिल्ड्रेन और रेजिंग मनी फॉर लॉयल आर्डर ऑफ हाइबरनेटिंग हेबिस्कस। अब अगर एक रिटायर्ड टीचर किसी मज़ूर बच्चों के लिए पैसा इकट्ठे करने वाले खैराती इदारे के साथ काम करता हो या फिर किसी भी दूसरी फलाही इदारे जैसे लॉयल आर्डर ऑफ हाइबर है के साथ काम करता हो तो ये इसका काम जो है शुमार ही नहीं किया जाता इसलिए कि इसके लिए उसको पे नहीं किया जाता सो दैट देट काउंट तो इसी तरह से बाहर तौर पर हम देखते हैं कि ऐसे खैराती काम या ऐसे वॉल्टियरली काम जो वो किसी फलाही इदारे के लिए करते हैं वो काउंट ही नहीं किए जाते और इसे बेकार ही तस्वर किया जाता है हुई स्टोनी A retired teacher, a laid off auto worker may pump gas at his cousin's gas station or sell encyclopedia on weekends. टोनी कौन है अब उसका तारुफ या तो ऐसे होगा अगर वो टीचर रह चुका है तो हम कहेंगे रिटायर्ड टीचर है अ लेड ऑफ ऑटो वर्कर है दिहाड़ी लेने वाला है, कोई ऑटो वर्कर है जो गैस पंप पे अपने कज़न के जो है गैस भरता था और इंसाइक्लोपीडिया बेचता है वीकेंड पे बट हु इज़ लेरी लैरी कौन है अनटिल एंड अनलेस ही बिगेन्स टू वर्क स्टेडीली अगेन ही इज़ लेड ऑफ ऑटो वर्कर तो अगर लेरी पहले ऑटो वर्कर था तो जब तक वो दूसरा काम जल्दी से शुरू नहीं कर लेता हम तब तक उसको ऑटो वर्कर ही जानेंगे और कहेंगे कि ये एक ऑटो वर्कर ही था दिस इज द सेम एज सेंग ही इज़ नथिंग नाउ बट ही यूज टू बी समथिंग एन ऑटो वर्क मतलब अभी के लिए वो कुछ नहीं है और uh, हम उसकी एग्जिस्टेंस को ही देखें नफी कर रहे हैं उसके वजूद की ही नफ़ी कर रहे हैं और कहते हैं कि पहले तो वो ऑटो वर्कर था अभी कुछ नहीं है देर इज़ अ होल कैटेगरी ऑफ अदर पीपल हु आर जस्ट समथिंग कुछ लोगों को तो हम जस्ट कह के ही उस को डिग्रेडेड रैंक में रख देते हैं कि ये तो जस्ट ये हैं और uh, मतलब कोई ज़्यादा कैटेगरी नहीं है इनकी सो टू बी जस्ट एनी थिंग इज़ वर्स्ट ये बड़ी वर्स्ट कैटेगरी होती है बड़ी ख़राब इट इज़ नॉट रिकोगनाइज बाई द सोसाइटी एज हैविंग मच वैल्यू एट ऑल ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती इन लोगों को नॉट नाव एंड प्रोबेबली नॉट इन द पास्ट ईदर अभी भी नहीं और पास्ट में भी इनको वैल्यू नहीं दी जाती थी टू बी जस्ट एनी थिंग इज टू बी अ टोटली डिस्काउंटेड एट लीस्ट फॉर द प्रेजेंट डिस्काउंटेड मीन्स वैल्यूलेस कंप्लीटली उसको गिना ही नहीं जाता शुमार ही नहीं किया जाता मीन जस्ट फॉर द प्रेजेंट अब भी के लिए जो वो काम नहीं कर रहा तो अब इस अरसे में तो उसको बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कंसिडर किया जा रहा देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर जस्ट सम तो बहुत सारे लोग हमारे माशरे में इस जस्ट वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जस्ट अ हाउस वाइफ आपने ये अक्सर सुना होगा आई एम नॉट डूइंग समथिंग आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ सो इमिजिएटली एंड पेनफुली कम्स टू माइंड तो बड़े दर्दनाक तरीके से हम ये कहते हैं कि जी जस्ट आई एम हाउस वाइफ़ और शी इज़ अ हाउस वाइफ़ सो वी स्टिल हियर इट ऑल द टाइम अभी तक हमारे माशरे में हाउस वाइफ का जो कॉन्सेप्ट है जो सबसे पेनफुल काम करती हैं वो हम उसको जस्ट की कैटेगरी में रख देते हैं समटाइम्स वुमेन हु हैव केप्ट अ हाउस एंड रियर्ड सिक्स चिल्ड्रन केप्ट अ हाउस मीन घर संभालती है रियर्ड मीट्स पालती है बच्चों को छः छः बच्चों को संभालती है रेफर टू देम सेल्फ एज जस्ट हाउस वाइफ वो खुद भी खुद को कहती हैं हम तो काम नहीं कर रहे हम जस्ट हाउस वाइफ हैं जस्ट अ बम बम मीन्स अन्प्लॉयड पर्सन जो काम काज ना करता हो जस्ट की कैटेगरी में हम किट को भी देखते हैं बिल्कुल बच्चा है जस्ट अ किड बैग लेडी सेलिंग लेडी सेल्स गर्ल्स जो होती है जो पीछे बैग लटका कर कोई चीज़ बेचती है तो इसका काम इतना वैल्यूएबल नहीं है इसीलिए हम कहते हैं जस्ट अ बैग लेडी जस्ट एन ओल्ड मैन बिकॉज ही इज कंसिडर ही इज़ नॉट वर्किंग दैट इज़ वाई जस्ट अ स्टूडेंट है कुछ कमा नहीं रहा जस्ट अ पंक मीन्स अ यूजलेस अ वर्थलेस पर्सन आर सम अदर्स ये अदर कैटेगरीज हैं जस्ट की तो इनमें हम जस्ट वाले लोगों को डालते हैं जो कि वैल्यूएबल uh, नहीं हैं और लो हैं यू कैन प्रॉब्ली एड टू दिस्ट और इस लिस्ट में आप बहुत सारे ऐसे माशरे के ऐसे अफराद को डाल सकते हैं जो आपकी नज़र में वर्थलेस हैं द जस्ट कैटेगरी कंटेन्स प्रेजेंट नॉन अर्नर्स तो जो अभी कमा नहीं रहे कुछ हम उसको जस्ट कैटेगरी में डालते हैं पीपल हु हैव नॉट पास जॉब हिस्ट्री हाईली वैल्यूड बाय सोसाइटी एंड पीपल हुज प्रेजेंट जॉब्स आर ऑन द लो एंड प्रेस्टीज स्केल तो यहाँ पे वो डिफाइन कर रहा है कि जस्ट की कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं वो लोग जिनकी पास्ट की कोई जॉब हिस्ट्री ना हो या फिर कोई हाईली वैल्यूड जॉब उन्होंने ना की हो बल्कि कोई आम सा मामूली छोटा मोटा काम करते रहे हों प्रेस्टीज स्केल मीन्स कोई ज्यादा बेनिफिशियल नहीं थी कोई हाई पोस्ट उनके पास नहीं था तो जस्ट की कैटेगरी में सारे लो कैटेगरी वाले लो मुलाजमत वाले आते हैं और अ पर्सन कैन बी अ जस्ट अ कैब ड्राइवर जैसे आप कह सकते हैं कि सिर्फ टैक्सी चलाने वाला फॉर एग्ज़ाम्पल और जस्ट जेनेटर या सिर्फ जो स्वीपर है जेनेटर मीन्स क्लीनर स्वीपर जो या जस्ट सफाई करने वाला जो है नो वन इज एवर जस्ट अ अजिडेंट हाव एवर अब वाइस प्रेसिडेंट जो है आप उसको जस्ट नहीं कह सकते जस्ट की कैटेगरी में नहीं रख सकते तो जस्ट जो है ये सिर्फ लो कैटेगरी के, के साथ ही अटैच है वी आर सपोज टू बी अ क्लासलेस सोसाइटी अब निकी मैकवर्टर कहती है कि हम अमेरिकन लोगों को ये कंसिडर किया जाता है कि हम बड़े सिविलाइज हैं और हमारी जो सोसाइटी है बिल्कुल क्लासलेस है इसमें किसी किस्म की जो माशरती तबक हैं अमीर गरीब का की क्लासेस जो है वो नहीं है बट वी आर नॉट लेकिन ऐसा नहीं है वी डोंट रिकॉग्नाइज अ टाइटल्ड नोबिलिटी यानी कोई अगर रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है तो हम कहते हैं कि हम उसी चीज को इज्जत देते हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है वी रिफ्यूज टू एक्नॉलेज डायनेस्टिक प्रिविलेजस हम कहते हैं कि हम जो है आ, अगर कोई बहुत डायनेस्टिक मीन शाही खानदान से उसका ताल्लुक हो या फिर वो बड़े रॉयल फैमिली का बंदा हो या जद्दी पुश्ती जो है बड़ा अमीर है तो हम ऐसे लोगों को और ऐसे तबकात को तबकोरे में जो है रिफ्यूज़ करते हैं उसका इनकार करते हैं हम उसको फॉलो नहीं करते हैं हम बड़े अच्छे लोग हैं सिविलाइज हैं हमारी जो सोसाइटी है हमारा जो माशरा है उसमें किसी किस्म की तकसीम नहीं है बट वी सर्टनली सेपरेट द वैल्यूड फ्राम द वैल्यूलेस लेकिन ऐसी बात नहीं है वो कहती हैं ज़्यादातर हम वैलीड चीज़ों को वैल्यूलेशस से जो अलग करते हैं और ये अंदाज़ा लगाते हैं कि यह वैल्यू लेस है और ये वैल्यूड है ये हम जॉब की बेना पर करते हैं मतलब जिस किस्म की कि वो जॉब कर रहा है उसी लिहाज से बंदे को अहमियत देते हैं अगर वैल्यूलेशस जॉब करता है तो हम उसको डिग्रेड करते हैं इट इज़ ऑफ नो यूज़ आर्ग्यूंग वेदर एनी ऑफ दिस इज़ करेक्ट और प्रॉपर हम जो इस तरह का एटीट्यूड इख्तियार करते हैं या हम ठीक करते हैं या नहीं रैशनली इट इज़ सिली अगर हम थोड़ा अक़ल को इस्तेमाल करें और सोचें तो ये बहुत बेवकूफ़ाना हरकत है दैट्स आवर सिस्टम बहरहाल ये हमारा सिस्टम है हाव एवर एंड वी शुड नॉट ओनली कीप इट इन माइंड वी शुड टीच आर चिल्ड्रन हाउ इट वर्कस ना सिर्फ हम ये ख़ुद प्रैक्टिस करते हैं इस पर बल्कि हम अपने बच्चों को भी इनकलकेट कर रहे होते हैं उस वक्त उनको भी सिखा रहे होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिस तरह से हम डिफरेंट लोगों को बिहेव करते हैं और जिस तरह से हम उनके साथ एटीट्यूड इख्तियार करते हैं इट इज़ पर वेल्ट्रो टू ग्रो टू बी अ खाव बाय और नर्स बच्चा मवेशी पालने वाला बड़ा हो या फिर वो नर्स बनना चाहे किड्स शुड नो हाव एवर लेकिन बहरहाल उनको इतना पता होना चाहिए दैट क्वाइट अपार्ट फ्राम अर्निंग पोटेंशियल मगर कमाने की जो सलाहियत है उसके अलावा द कैटल ब्रीडर इज मच मोर रिस्पेक्टेड दैन द हार्ड मैन मवेशी पालने वाले की काफ़ी इज्जत की जाती है बन एक उजरती जो मजदूर होता है जो मैनुअल हाथ का काम करता है उससे ज्यादा एक मवेशी पालने वाले की या का बॉय की इज्जत होती है आई थिंक सम ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू स्टडी आर अन कैटलॉग सिस्टम ऑफ अवॉर्डिंग रिस्पेक्ट एंड डेफरेंस टू ईच अदर बेस्ड ऑन जॉब वी होल्ड तो इलम बशरियात यानी ह्यूमन बींग्स की स्टडी करने वाले जो हैं इनको हमारे ये जो बेरक्त सिस्टम है जिसमें किसी को तो हम बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं और उनको तस्लीम करते हैं और किसी का बिल्कुल सिरे से इनकार कर देते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ देयर जॉब जो पेशा उन्होंने मुंतब किया होता है उसकी बेस पर हम उनके साथ इस तरह का सलूक करते हैं डिफ्रेंस मीन्स टू गिव रिस्पेक्ट टू it टू to बिफोर their इट मींस टू a vice वैल्यू वेयर planning प्रोडक्ट प्लानिंग There इज नो no compatibility बिटवीन वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रोडक्ट प्लानिंग तो दोनों एक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रोडक्ट प्लानिंग में कैसे फिट आ सकता है इज़ दैट बेटर देन वाइस प्रेसिडेंट सेल्स इन पब्लिक कॉन्शसनेस और अनकॉन्शसनेस क्या प्रोडक्ट प्लानर जो है वाइस प्रेसिडेंट से बेहतर नहीं है जो कि शौरी या लाशोरी तौर पर पब्लिक के सामने बेचता रहता है राइटर अर्नस डिडली डॉट बट आई सस्पेक्ट दे आर हेल्ड इन हायर इस्टीम देन वेल दी रॉक म्यूजिशन जितने भी अदीब हैं और लिखने वाले हैं दे अर्न लेस मनी डिडली डॉट मीन्स बहुत कम अमाउंट कमाते हैं बट आई सस्पेक्ट राइटर कहते हैं कि वो सोचते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा हायर इस्टीम मीन्स एक्सट्रीम रिस्पेक्ट मिलती है देन वेल दी रॉक म्यूजिशियन किसी भी रॉक म्यूजिशियन से दैट इज इफ एवरीबडी ओल्डर देन फोर्टी गेट्स टू वोट जैसे चालीस साल से बड़ा जो होता है वो उनको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है फिर उनको वोट का हक हाँ दिया जाता है बिल्कुल राइटर्स को इसी तरह की रिस्पेक्ट मिलती है दो कमाते वो थोड़ा हैं लेकिन रिस्पेक्ट उनकी ज्यादा है हाउ डूब एंड देर फॉर द जॉब होल्डर्स आर वंडरफुल पीपल हम इस बात का फैसला कैसे कर लेते हैं या, या कैसे तयन करते हैं कि कौन सी जॉब बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है और उस जॉब के करने वाले जो हैं वो बहुत अमेजिंग पीपल हैं बहुत गैर मामूली किस्म के लोग हैं वाई सम

tempted to fawn over some stranger because we find out he happened to be a judge or next time we catch ourselves discount the personal worth of the garbage collector to in sawalon ka jawab janna isliye bhi zaruri hai taki next time hum kisi ko sirf ye jaan kar ke wo judge hai aur tempt करें और हम इस बात पे आमादा हों कि उसकी बहुत सारी तारीफें करें और उनके आगे पीछे हों या फिर जो garbage collector है और गलाजत उठाने वाले हैं जो cleaner हैं और उनकी जो जाति कदर कीमत है या जो उनकी उनकी जो सेल्फ इस्टीम है और पर्सनल रिस्पेक्ट है उसको डिसरिस्पेक्ट करें और उनको डिग्रेडेड समझें यानी राइटर कहना यह चाहता है कि जिनको हम वैल्यूएबल समझते हैं और बहुत ज़्यादा और सिर्फ अपने अहदे की वजह से उनके आगे पीछे होते हैं और फिर किसी लोगों को जो मेहनत करने वाले हैं उनको हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो इन सवालों का जवाब इसलिए ज़रूरी है ताकि हम सोसाइटी में हर एक बंदे को इज़्ज़त की नजर से देखें और इक्वल एटीट्यूड अपनाएं सबको जो है रिस्पेक्ट दें सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर वट यू डू